परंपरा ढोई नहीं जाती है, परंपरा का दृढ़ता पूर्वक निर्वाह किया जाता है। ये जो सत्संग है, ये सत्संग देव दुर्लभ है। बैकुंठ में बैठने वाले लोग भी बैकुंठाधिपति का दर्शन कर रहे हैं लेकिन सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं। वो अपने पुण्यों के प्रभाव से, सत्कर्मों के प्रभाव से बैकुंठ तो पहुंच गए लेकिन वहां उन्हें भगवान का दर्शन हो रहा है। और मुक्ति देवी उन पर अनुग्रह किए हुए हैं लेकिन सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा था, जब भगवान ने बैकुंठ में कबीरदास जी को बुलाया तो कबीरदास जी ने साफ मना कर दिया कि मैं बैकुंठ नहीं जाना चाहता। अरे बाबा बैकुंठ जाओ, बैकुंठ में कितना आनंद है इसकी कल्पना यहीं से बैठे बैठे कर रहे हो, वहां जाके तो देखो कि कितना अच्छा लगता है बैकुंठ में। कबीरदास जी ने कहा कि कल्पनाएं होती रहती हैं और मैं समझ रहा हूं कि भगवान ने हमें बुलाया है लेकिन मैं बैकुंठ नहीं जाऊंगा, तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे। कबीरदास जी ने कहा हमारे सत्संग में वो टारगेट है, एक ना एक दिन बैकुंठ से उतर के भगवान धरती पर आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और वो बैकुंठ है, केवल एकमात्र एक जगह सुनिश्चित बैकुंठ है। कबीरदास जी ने कहा मैं हर गांव में सत्संग करके गांव गांव को बैकुंठ बना दूंगा, हर गांव बैकुंठ बन जाएगा। बोलो भाई विचार करना, सत्संग से ग्राम क्या बनता है? बैकुंठ बनता है। स्वर्ग नहीं, बैकुंठ बनता है, जहां भगवान स्वयं कथा के माध्यम से उतर के आ जाता है। ये कथा साधारण नहीं है। कली मल हरण मंगल करण, कली मल हरण मंगल करण, तुलसी कथा रघुनाथ की। कली के मल का हरण करने वाली, जन जन का मंगल करने वाली, ये भगवान की कथा है। मंगल भगवान की कथा सुन के ही मिल सकता है। जीवन में मंगल, भगवान का चरित्र सुनते रहोगे तो बना रहेगा मंगल। बोलो बना रहेगा मंगल कि नहीं? और यदि भगवान की कथा से दूर हो गए, सत्संग से दूर हो गए, यज्ञ से दूर हो गए, इस धरती से तुमने धर्म को दूर कर दिया, अपने जीवन से धर्म सत्कर्म दूर कर दिया, तो मैं एक बात कहता हूं, ये शरीर देखने में जरूर लगेगा कि जीवित है लेकिन सत्य तो यह है कि ये धर्म की दृष्टि में, संतों की दृष्टि में, शास्त्रों की दृष्टि में ये शरीर इंसान की दृष्टि में जीवित माना जाएगा लेकिन भगवान की दृष्टि में मुर्दे के समान माना जाएगा कि ये मुर्दे के समान है, कोई कीमत नहीं इसकी। भगवान की नजरों से तुम गिर जाओगे, संसार की नजर उतना नुकसान नहीं करेगी। संसार की नजरों से गिर जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मीरा जी को दुनिया वालों ने मीरा जी को गिरा दिया, नजरों से गिरा दिया था कि नहीं? है? संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, तो लोक लाज खोई का अर्थ क्या करोगे? लोक के लोगों ने नजरों से गिराया कि नहीं गिराया? लेकिन याद रखना, लोक ने मीरा को नजरों से गिरा दिया
लेकिन भगवान ने मीरा को हृदय में बसा लिया, इतना अंतर आ गया। बोलो आया कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान की नजरों से मत गिरना, भगवान तुम्हें देखते रहें ऐसा काम करना, भगवान के चरणों में तुम्हारा ध्यान रहे, भगवान के चरणों में तुम्हारा मस्तक झुका रहेगा तो भगवान की सीधी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। बोलो पड़ेगी कि नहीं? ये सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आइए सत्संग। कबीर दास जी ने एक दोहा कहा कि राम बुलावा भेजिया कबीरा दीना रो, ओ जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न हो, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न हो। जो सत्संग में मुझे सुख मिल रहा है वो सुख बैकुंठ में मिलने वाला नहीं है, इसलिए बैकुंठ मुझे प्रिय नहीं। बैकुंठ की चर्चा बंद कर दो, बैकुंठ के बारे में कोई बात मत करना। इस धरती पर सत्संग में बैठकर मुझसे प्रश्न करना, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, उत्तर दे करके तुम्हारे संकट को दूर करूंगा, तुम्हारी शंकाओं को दूर करूंगा और तुम्हें संकट से दूर करूंगा। बस सत्संग में कभी